हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ी की रेसिपी। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं मिर्ची, धनिया, जीरा, काली मिर्च और सूप। अब इसे तवे में हम भूनेंगे। तो इसको भूनना है पूरे इसके भुनते तक। हमारी मिर्ची सब भुन चुकी है, तो इसे अब हम रख देते हैं। हम मैदा ले लेते हैं, इसमें हमने तेल डालकर इसको मिला देते हैं अच्छे से। तो इसमें तेल डाल के हमने मिला लिया है। इसमें आपको खाने का सोडा ले लेना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे एकदम मुलायम गूंथना है। तो हमने गूंथ लिए इसे। अब इसे रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए। अब हम उड़द की बना रहे हैं, इसलिए हमने उड़द को रात में भिगो के रख दिया था और सुबह से साफ कर लिए थे। अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हमने 250 ग्राम उड़द ले लिए थे और इसे अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो यहाँ हम डाल दिए हैं। इसे इस टाइप से दरदरा रखिएगा। अब हमने तेल गरम करके इसमें सूप डाल दिए और जीरा भी डाल दी इसमें। अब इसे चम्मच चला लेना है। इसमें हींग ऐड कर दिए। अब इसमें 1 कटोरी बेसन लेके इसमें ऐड कर देना है और इसे भी चम्मच चला लेना है। धीमे धीमे आंच पर आपको इन मसालों को तलना है। तो एक्स्ट्रा बेसन हमारा बच रहा था तो हमने इसमें ऐड कर दिए। बेसन से ही बहुत टेस्टी मसाला बनता है। तो इसमें भी हमने चम्मच चला दिए। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी गाइस। अब इसमें हम लोग मसाले ऐड करते हैं, जिसमें हम डालेंगे हल्दी। अब मिर्ची ऐड करेंगे इसमें, मिर्ची पाउडर। इसमें नमक डाल देंगे। इसमें जीरा और धनिया पाउडर भी हमने डाल दिए। अब इसे घुमा ले। तो हमारा मसाला पक गया था। तो इसमें हम उड़द की जो दाल पीसे थे उसको डाल देते हैं इसमें। अब दाल में ऐसे चम्मच चला ले इसकी, उड़द की। आपको धीमे धीमे आंच में इसको भूनना है, तभी इसका पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार होगा इसका मसाला। तो हम इसके भूनते भूनते हमारे को 1/2 घंटा हो गया था। उसके बाद इस टाइप से हो गया था और इसमें फिर हमने नमक डाल दिए। कुछ देर बाद हमारे इसमें जो हम लोगों ने मिर्ची और वो सब पीसे थे उसका मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा मसाला एकदम कचौड़ी का तैयार हो चुका है। इसे और पकने दे थोड़ी देर। तो हमारा कचौड़ी का मसाला तैयार हो गया है। अब चलते हैं कचौड़ी बनाने की तरफ। इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दी और ऐसे मिला लें।
और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस टाइप से गोल बनाकर इसमें हम वो उड़द का मसाला इसमें डाल देंगे इस टाइप से। गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमारे हाथ की रेसिपी आपको कैसी दिखती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी कमी होगी उसे ही बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस टाइप से हाथ से मसल दें मसाला डालकर और ऐसे राउंड राउंड घुमा लें। और ये हमारी पहली कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे साथ में ही तलते चाहिएगा वरना ये फूट जाएगी, क्योंकि हवे में है तो मैदा थोड़ा फट जाता है, इसलिए इसे बनाते जाए और इसे तलते जाए। बट हम है तो इसे पहले बना लेते हैं और उसके बाद में फ्राई करेंगे। तो हम सारी कचौड़ियाँ इसी तरह से हम बना लेते हैं। गाइस वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने शॉर्ट मतलब स्पीड इसकी बढ़ा दी है, बट आप अच्छे से बनाइएगा, दो लोग मिलकर बनाना है जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो हमारी कचौड़ी दूसरी भी बनकर तैयार होगी। इसी तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ बना लिए थे, हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इसे फ्राई करेंगे हम। इसके लिए तवे पर तेल डाल दें और गैस ऑन करके रख दें और इसे एकदम धीमे धीमे आंच पर निकालें। धीमे आंच पर निकालने से करारे होंगे और एकदम ब्राउन कलर में आ जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, आपको चार चार कचौड़ी एक बार में डालना है और उसे तलना है धीमे आंच पर। तो हमने धीमे आंच पर तले थे, उसके बाद ये कचौड़ियाँ इस कलर की हो चुकी है। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी फूली फूली बनी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे एक पेपर पर रखिएगा ताकि इसका तेल सूख जाए। और ये हमने दूसरी बार में ये कचौड़ियाँ तली थी, तो इसी तरह हमने सारी कचौड़ियाँ तल के रख दी थी। तो ये हमारी कचौड़ियाँ देखिए तल के हो चुकी है और ये कितनी फूली फूली है। और इसे अब हम खाकर टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत टेस्टी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।